इसमें सवाल एक और खड़ा हो जाता है, अगर ईवीएम और ये सारे घोटाले हैं तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट हार गए। देखिए आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से कह रही थी हम 273 सीट लाएंगे, अंतिम मतदान हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस, एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था, अंतिम में परिणाम भी वही आया, तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं है? इसलिए अपनी गलती को जस्टिफाइड करने के लिए ये हिडन एजेंडे के रूप में इसका प्रयोग हुआ। स्वाभाविक रूप से कोई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग समग्र रूप से नहीं करता, आंशिक रूप से करता है, कहीं जिला चिन्हित करता है, कहीं व्यक्ति चिन्हित करता है, हर जिले में अगर कर लेगा तो खुलासा हो जाएगा, जाहिर में उसकी हंसाई हो जाएगी। इसलिए वो चिन्हित करता है किन जिलों में हमको खेल खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है। और अभी एक वैज्ञानिक ने जो कल बताया है, तो स्वाभाविक रूप से उसने करके प्रैक्टिकल दिखाया, वीडियो वायरल किया है, और उसमें एक जज और एक प्रोफेसर एक पत्रकार के सामने किया, तो स्वाभाविक रूप से उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दुरुपयोग की पुष्टि तो की। सर एक और सवाल है, आखिरी सवाल इसमें जो जुड़ता हुआ है, आपने 22 का चुनाव लड़ा समाजवादी के साथ, क्या अभी आगे, क्योंकि अभी गठबंधन भी था इसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपका चुनाव, क्योंकि फाजिल नगर से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, तो आगे की क्या रणनीति? देखिए चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, हार और जीत दोनों लोकतंत्र के दो पहलू हैं, जो जीतता वही हारता है, जो हारता है वही कभी जीतता है। इसलिए हार और जीत को मैं सामान्य रूप से लेता हूं। मेरी 42 साल की संघर्ष की राजनीति, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, हार और जीत भी देखे हैं, विपक्ष में भी भूमिका अदा किया हूं, सत्ता पक्ष में भी अदा किया हूं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं। और इसीलिए परिणाम आने के बाद मैंने सभी जीतने वालों को बधाई दिया और अपनी हार को स्वीकार भी किया, क्योंकि पहले जीत और हार का परिणाम आता है, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इसलिए जीतने वाले को बधाई और हार को स्वीकार करना मेरा नैतिक धर्म है, किया मैंने। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में एक सवाल बनके घूमते रहते हैं, और यही सवाल यहां पर भी है कि बैलेट पेपर वोटिंग में 304 पर समाजवादी पार्टी आगे, तो ईवीएम वोटिंग मशीन में पीछे कैसे? सर काफी सवाल है, समाजवादी के घटक दल है महान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी आशंका, तो वो किस तरह से देखते हैं आप? अब महान दल के नेता हैं तो महान है, हम उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे।